गुड इवनिंग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम कवर करेंगे ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट, हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे, एप्लीकेशन बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो देख सकते हैं। तो इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि लाइक कौन कौन से टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट की, मीन्स सैटेलाइट आखिर सबसे पहले बनी कैसे। तो आज से 50 साल पहले 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट स्पूतनिक नाम से जो थी उसको लॉन्च किया, जो कि एक मैन मेड सैटेलाइट थी। ठीक है, जिससे कि जो अमेरिकन पब्लिक थी वो एकदम शॉक में आ गई कि यार इन लोगों ने तो, सोवियत यूनियन ने तो अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी, हमने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने भी फिर इस स्पेस प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट करा और उन लोगों ने भी सैटेलाइट बनानी स्टार्ट करके लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पेस एज है उसकी स्टार्टिंग हुई। और ये आदमी कौन है ये प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, मैं बस स्पुतनिक के बारे में सर्च कर रहा था, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो जो हमारी स्टार्टिंग में सेटेलाइट्स थी वो कुछ इस टाइप की थी। 1965 में इंटेल सेट जो हमारी थी, इंटेल सेट 1 वो 81 KG की लॉन्च हुई थी, इंटेल सेट 2 जो थी वो 198 KG की 1966 में। इसके बाद में इंटेल सेट 3, ये डिटेल है, इंटेल सेट 4, इंटेल सेट 5, इंटेल सेट 6, इंटेल सेट 7, इंटेल सेट 8, इंटेल सेट 9। ठीक है, 2001 में ये। अब इसके बाद में आप ये देखेंगे 81 KG, 198 KG, 349 KG, फिर इसके बाद में जो इसका वेट है वो बढ़ता गया, एंड में आके कितना हो गया, 4724 KG। ओके, बहुत ज़्यादा वेट है ये, तो इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट लॉन्च होने लगी। फिर उसके बाद में हो गई इंटेल सेट 35E, 2017 में लॉन्च हुई है, 6761 KG की है। और ये सारी सैटेलाइट जो हैं ये अलग अलग टाइप की हैं, इनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट की। कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप इससे देख सकते हैं। तो जो नोआस जो है, नोआस की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी GOES-1-3। ठीक है, तो ये जो थी ये स्पिन स्टेबलाइज सैटेलाइट थी। जो स्पिन स्टेबलाइज सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर एक घूमने वाला, एक थोड़ा वेट वाला, एक बैरिंग टाइप में आप समझ सकते हैं, वो गोल गोल तेजी से घूमता है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो स्टेबल रहती है। मैं आपको बाद में बता दूंगा ये किस तरह का होता है, इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 1975 में लॉन्च हुई, 1980 में लॉन्च हुई आपकी GOES जो है, नोआस की सेकेंड सैटेलाइट, जो कि आपकी वर्टिकल प्रोफाइलिंग पे काम करती है। फिर आपकी 1994, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, स्पिन स्टेबलाइजेशन और वर्टिकल प्रोफाइलिंग ये सब। ठीक है, 1994 में जो थी 3-एक्सिस स्टेबलाइजेशन वाली सैटेलाइट लॉन्च हुई, जो कि GOES-8-12, 8 से 12। ठीक है, मतलब ये 1, 2, 3, 4 से 7, फिर 8 से 12, मतलब उसकी डिटेल बता रहा है। इतनी सैटेलाइट लॉन्च हुई, 3 ये हुई, फिर बाकी 4 ये हुई, तो इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 2006 में लॉन्च हुई GOES की 13, 14, 15, साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट इमेजिंग साउंडिंग इन सब के लिए है ये। 2016 में लॉन्च हुई GOES की R-सीरीज़। ठीक है, तो सब कुछ मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, अभी केवल बेसिक्स है शॉर्ट नोट के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं और थोड़ी अलग सेटेलाइट की डिटेल के बारे में, जो सेटेलाइट की टाइमलाइन है। आप देख सकते हैं 1947 में जो है वो मेरा रॉकेट रेंज जो थी एस्टेब्लिश हुई थी, सबसे पहले जो रॉकेट रेंज थी वो एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद में फ्रेंच लॉन्च साइट है, ये आपकी ELDO लॉन्चर प्रोग्राम है, मतलब नासा जो है, नासा ट्रैकिंग सिस्टम जो है डार्विन, वो आपका 1966 में हुआ था। तो इस टाइप से ये पूरी एक टाइमलाइन है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है ये। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आपकी सैटेलाइट होती कितने कितने टाइप की हैं। तो बहुत सारी सैटेलाइट होती हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन के लिए, लाइक इंटरनेट के लिए, टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, और भी अलग अलग मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। तो इन सब के लिए आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, फिर आपकी रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट होती हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट होती हैं, वेदर फॉरकास्टिंग की होती हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन की होती हैं, मिलिट्री अर्ली वार्निंग की होती है, मिलिट्री नेविगेशन की होती है, मिलिट्री सर्वेलांस की होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं और अलग फर्दर टाइप के बारे में। तो जो आपके होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट,
वो आपकी मेनली तीन टाइप की होती है, FSS, DBS, MSS, जो आपकी होती है मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज, TV एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट एंड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, नेविगेशन सेटेलाइट, स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट, मिलिट्री सेटेलाइट, सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, नेविगेशन ऑगमेंटेशन, साइंटिफिक रिसर्च। ये मेनली ये आप हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिए, इनके अंदर इतना डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट आता है बस इस पर। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज की बात करें कि कितनी कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी पे आपकी सैटेलाइट काम करती हैं, तो वो आपकी मेनली ये होती हैं VHF, UHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU, KKAV। ठीक है, ये सारे आपके बैंड होते हैं और इनकी फ्रिक्वेंसीज होती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है आपकी 30 to 300 MHz तक, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है 300 to 1000 MHz तक, कहीं कहीं पे आपको 1000 की जगह पे कुछ अलग वैल्यू भी दिखेगी, बट मेनली ये 300 to 1000 MHz होता है। ठीक है, एल बैंड होता है आपका 1 to 2 GHz, 2 to 4 GHz होता है आपका एस बैंड, सी बैंड होता है आपका 4 to 8 GHz, एक्स होता है आपका 8 to 12 GHz, KU होता है आपका 12 to 18 GHz, K होता है आपका 18 to 27 GHz, के होता है आपका 27 to 40 GHz, वी होता है आपका 40 to 75 GHz। ठीक है, ये जो फ्रिक्वेंसीज वगैरह हैं ये आपकी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी है और बैंड कौन कौन से हैं, तो आपको ये बैंड जो है इन बैंड के नाम इस तरह से लिखने होंगे और इनकी फ्रिक्वेंसीज लिखनी होंगी। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।